मल्लाराव होलकर तो जंग पर गए और बाकी सब लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पति है ना खंडेराव जी, छोटे सुबेदार जी, वो ना मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाएंगे और मुझे बचा भी लेंगे पक्का। झूठ, सब कुछ पता कर लिया है हमने, उनका तुम्हारे साथ झगड़ा हुआ है, वो नाराज है तुमसे, वो नहीं आएंगे तुम्हें बचाने, देख लेना। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपको पता नहीं है हमारा ना बहुत बार झगड़ा हुआ, पर जब भी कभी मैं मुसीबत में होती वो हमेशा मुझे बचाते, और इस बार भी मुझे बचा लेंगे पक्का। अच्छा, मतलब इतना तो मानती हो ना तुम? हाँ मानती हूँ ना, क्यों नहीं मानूंगी भला, जो सच है उसे तो मानना ही चाहिए। वैसे आपकी आवाज बदल कैसे गई? मतलब पहले तो ऐसी भारी भारी सी मोटी मोटी सी थी ना? ऐसी ही तो है, कहाँ बदली हमारी आवाज, ऐसे भी आवाज कौन बदल सकता है? पिताजी जैसी आवाज आ रही थी, नहीं वही तो नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो तुम, गिर जाओगी। देखो मैंने पहचान लिया, आप छोटे से भी तेजी हो ना। लेकिन छोटे से भी तेजी, आपने मुझे ऐसे जबरदस्ती बांध के क्यों रखा? तुमने भी तो हमारे साथ ऐसा ही किया था, इसी कमरे में इसी तरह। नाटक करना सिर्फ तुम्हें ही आता है क्या? छोटे से बैठे जी, अगर आप मुझसे नाराज नहीं होते, दोस्ती कर लेते, तो फिर मुझे नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था, और हाँ मैं सब कुछ बता देने वाली थी कि मुझे आपसे दोस्ती करनी थी, इसलिए मैंने वो सारा झूठ मूठ का नाटक किया कि मुझे कुछ भी नहीं आता। और वैसे मुझे पता है कि झूठ बोल के दोस्ती नहीं होती, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं था, शिव जी की शपथ। ठीक है, अगर आपको मुझे ऐसे ही बांध के रखना है चलेगा, जब तक आपका मन करे ऐसे ही बांध के रखो कोई बात नहीं, पर हाँ फिर से पहले जैसे गुस्सा मत हो जाना। जब आप बात नहीं करते ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, जैसा जैसे कोई भी नहीं है मेरा। वो तो समझ गए हम। क्या? फिक्र तो करती हो तुम हमारी, सच्चे मन से हमारे साथ दोस्ती भी करना चाहती हो, तभी तो इतना बड़ा नाटक किया तुमने और गुरुजी को भी नाराज कर दिया, इतना नाराज कर दिया कि उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया। सब कुछ सिर्फ हमारे साथ दोस्ती करने के लिए किया है, सच है ना? ठीक है तो आ
आज से गुस्सा करना बंद। सच में छोटे सुमित है जी, मतलब आप मुझसे नाराज नहीं है? शुरू में थे, बहुत गुस्सा आया, फिर ध्यान से सोचा मैं कि जब तुम हमारे साथ दोस्ती करने के लिए इतना कुछ कर सकती हो, अपने सपने को भी भूल सकती हो, तो गुस्सा उतर गया। फिर मुझे ऐसे बंदी क्यों बना के रखा? डराने के लिए, तुमने भी तो मैं ऐसे ही डराया था ना बंदी बनाकर, तो हिसाब तो बराबर करना ही था। अच्छा अब तो हिसाब बराबर हो गया ना, अब तुम मुझे खोल दो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम बहुत बहादुर हैं? मतलब अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो हम तुम्हें आकर बचा लेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि आज तक हमारे बारे में ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा। सब लोग हमें जिद्दी, घमंडी और नासमझ कहते हैं, किसी ने भी हमें वीर, बहादुर ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो इसलिए क्योंकि किसी ने आपको कभी लड़ते हुए देखा ही नहीं ना, लेकिन मैंने देखा है ना, जब हम मेरे गांव जा रहे थे तब जब दुश्मनों ने हमला किया था, कितनी बहादुरी से उनके साथ आपने लड़ाई की थी, है ना? सुबिताई जी, अब हम पक्की दोस्त हैं ना? पर तुम्हारे पक्के दोस्त तो बाबा साहब है ना, जब देखो तब वही ऐसा बोलते हैं, पक्कम पक्के दोस्त। वो भी मेरे दोस्त है, लेकिन वो ना थोड़े अलग वाले दोस्त है, मतलब उनके साथ में खेल नहीं सकती ना, इतने सारे काम होते हैं उन्हें। लेकिन आपके साथ तो मैं खेल सकती हूँ, और अब तो हम दोनों में दोस्ती भी हो गई है, फिर तो मुझे आपसे कुछ भी छुपाने की जरूरत थी, है ना? तो अभी हमारे साथ खेलने चलोगी? हम इसलिए तो वापस आए थे तुमसे पूछने, चलोगी? क्यों नहीं, मैं पक्का चलूंगी, चलो चलो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।